तो आज जो है हमने प्रोटीन करना है। तो सब बच्चों ने वो वाला पढ़ लिया था जो ग्लूकोज ये फ्रक्टोज हमने कराया था कल, आपको बोला था साथ साथ में पढ़ेंगे। यस मैम, यस मैम। प्रोटीन जो है सबसे पहले तो कुछ जो चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है वो देख लेते हैं। प्रोटीन वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में एक वर्ड होता है प्रोटियोस, तो प्रोटियोस से आया है ये। प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है जो जो भी एनसीईआरटी में मेंशन है वो बता रही हूँ। दे आर द मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम। हमारे लिविंग सिस्टम में जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है। दूसरी चीज इसके चीफ सोर्सेस, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो चीफ सोर्सेस है मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट एक्सेट्रा। बाकी ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ये रिक्वायर्ड होता है, तो हमें नेचुरल प्रोटीन लेने चाहिए। जो लोग वो वाले प्रोटीन लेते हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, तो वो जो प्रोटीन होते हैं वो फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं। तो कभी भी जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो ये है, आपकी बॉडी ही इस हिसाब से बनी है। आपकी बॉडी जब नेचुरल है तो जो चीजें होती हैं कोशिश करनी चाहिए आपको नेचुरल जो चीजें हैं खाने की, क्योंकि वो बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाती है। और जो प्रोटीन जो लोग प्रोटीन में लिखाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अभी कुछ बच्चे आप लोगों में से भी अभी से ये सोचेंगे कि भाई हम जिम जाते हैं। जिम जाने का जो मेन मकसद होता है, अगर आप जाते हैं तो आप फिजिकली फिट रहने के लिए जाना चाहिए, आपका मेन मकसद ये होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली, ज्यादातर लोग वो ये करते हैं कॉम्पिटिशन के चक्कर में, अरे उसकी इतनी बॉडी है। तो मेन है आपकी बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, फिर वो जो है बॉडी के चक्कर में स्टेरॉइड्स लेते हैं। स्टेरॉइड से क्या दिक्कत होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। मान लीजिए किसी बंदे को किसी बीमारी के चक्कर में स्टेरॉइड खाना पड़ता है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, तो स्टेरॉइड जो होते हैं उसके साथ जो है डॉक्टर कैल्शियम देता है, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी देता है, क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम एड्सॉर्ब नहीं होगा जब तक विटामिन डी नहीं होगा। इसीलिए विटामिन डी की कमी की वजह से तो लोगों का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम जिम जाएं और कॉम्पिटिशन करें, जबकि आपका कॉम्पिटिशन ये होना चाहिए आपकी अपनी हेल्थ से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ, तो आपको हेल्दी रहने के लिए या फिट रहने के लिए जब आप जाएं, आप अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस मत दें कि आप ये कहें कि मैं ना वो सामने वाला बंदा इतने इतने वेट उठा लेता है। तो आपकी बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है, आप जितना कंफर्टेबल हो उतना करें, वही काफी है। लेकिन वही है, कंपटीशन के चक्कर में लोग इंजेक्शन वगैरह यूज करने लगते हैं स्टेरॉइड्स के। तो स्टेरॉइड्स जो है वो मेडिसिन के हिसाब से तो एक कुछ बीमारियों में जिनका इलाज नहीं होता, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी जो है या तो जब ओवर काम करती है, फालतू ज्यादा काम करती है इम्यूनिटी की, अपने बॉडी के सेल्स को नहीं पहचान पाती, तो ऐसी कई डिजीजेस हैं उनमें स्टेरॉयड जो है वो एक वरदान की तरह है। लेकिन आप उसको बिना मतलब पे यूज करेंगे तो स्टेरॉयड्स के बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको ज्यादा ही गुस्सा आता है। गुस्सा तब आता है जब, क्योंकि स्टेरॉयड जो है जब भी ये खाए जाते हैं तो वो उससे मूड स्विंग्स होते हैं, तो गुस्सा भी आता है। तो उनकी तो मजबूरी हो गई, जिनको कोई बीमारी है और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो ज्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसके लिए। तो ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग करेंगे। उसके बाद इसका मैं आगे भी बता देती हूँ, ज्यादातर जो लोग कभी अपनी यंगर एज में 30 से नीचे, क्योंकि 30 के बाद हो जाती है शादी, फिर बच्चों की टेंशन, ये वाली टेंशन, फिर वो कई लोग तो जिम ही नहीं जाते, आलसी हो जाते हैं। तो आप ये देखेंगे जो बंदा जिम नहीं जाता था वो आपको ज्यादा फिट लगेगा, देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी बॉडी वो इस हिसाब से वॉक कर लेता है या वैसे ही वो चल लेता है। लेकिन ज्यादातर जो जिमिंग वाले बंदे होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। बाकी मोटे होने का कारण और भी हो सकता है कि वो ड्रिंक कर रहा है,
तो ड्रिंक करने से भी जो है ड्रिंक जो है विस्की से मोटे हो जाते हैं, पेट निकल आता है, वो तो अलग चीज हो गई, उसमें फैट स्टोर हो गया। लेकिन जो जिमिंग करते हैं आपने देखा होगा, वो एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल ही बेकार कह देते हैं ना, रद्दी टाइप के लगते हैं, इतने मोटे से हो जाते हैं कभी बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को जिस आदत में डाला, इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया और सडनली बॉडी को, तो आपकी बॉडी जो है वो वही चीज डिमांड करती है। तो इसीलिए आप अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेस दिए हुए जो भी एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, जिम करना है, आप करिए, कोई नुकसान नहीं है उससे, लेकिन अपनी बॉडी को नुकसान करे बिना। और ज्यादातर लोगों को कई आपने देखा होगा टीवी में उनका ये जो इतने स्टीरॉइड देते हैं, ये जो मसल्स बनाते हैं हाथों की, एक बंदे की तो फटी गई थी पूरा, अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें ऐसे किस्से, पूरा उसकी बॉडी का ये फट गया। उसके बाद हार्ड, क्योंकि स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, सांस फूलेगी, मैं आपको बता रही हूँ, स्टीरॉइड से जो है गुस्सा भी आएगा, बाकी बॉडी में और चेंजेस आएंगे, ब्लड का लेवल भी बढ़ सकता है, मतलब प्रेशर। तो ज्यादातर लोग आपने देखा होगा जिम जाते हैं तो टीवी में भी आ जाता है, वो जिम गया और उसको हार्ट अटैक हो गया। तो जिम करने वाला हेल्दी, ये आप ये कहिए कि बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहा है, ये उठा लेता है, वो उठा लेता है, वो देखने में भयानक लग रहा है, पर असल में उसके अंदर जान नहीं है, क्योंकि वो स्टीरॉयड से नेचुरल तरीके से जो है वो नहीं हुआ। आपने टीवी में स्टार्स भी देखे होंगे आजकल, उनको कैंसर कभी कुछ, क्योंकि वो अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस देते हैं, कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, तो वो सब चीजें जो है आप, मैं इसीलिए कह रही हूँ नेचुरल सोर्स खाइए। चलिए अब हम अपने इस पे आते हैं, यहां से चैप्टर चालू होता है कि भाई प्रोटीन होते क्या है। दे आर पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें काफी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हों, जैसे ये सारे AA हैं, इसमें एक ही मोनोमर है, मोनोमर का मतलब छोटा मॉलिक्यूल जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है, या फिर ये भी हो सकता है इस तरह का पॉलीमर हो जिसमें दो मोनोमर हो, पॉलीमर चैप्टर अभी इस साल नहीं है कोर्स में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स और भी आपस में जुड़े हो, एक ही तरह के या अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स, तो लंबी चेन होती है। किस चीज के पॉलीमर होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड के। अब क्वेश्चन आता है भाई ये अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, तो आपको प्रोटीन की डेफिनेशन ये ध्यान रखनी है, दे आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अब क्वेश्चन अराइजेस कि अल्फा अमीनो एसिड्स जो है वो होते क्या है, तो अल्फा अमीनो एसिड्स जो है, अल्फा का देखिए एसिड से समझ में आ गया, इसमें COOH ग्रुप होगा, जो मैं अभी पॉइंट बता रही हूं, अगर आपने ये समझ लिया तो आपका जो प्रोटीन है वो आपको परफेक्ट आ जाएगा। और अमीनो का मतलब है इसमें NH2 ग्रुप होगा, मतलब इसमें COOH ग्रुप भी है, इसमें NH2 ग्रुप भी है। अब इसका मतलब, लेकिन ये जो अल्फा लिखा हुआ है ये पोजीशन बताई हुई है। अच्छा, अगर आप इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो हम प्रायोरिटी देते हैं, या आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि हम प्रायोरिटी देते हैं COOH को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा जो होता है वो सल्फोनिक एसिड प्रियोर होता है, लेकिन वो हमारे वैसे भी हमने नहीं करना, ना 11th पे है, तो मैंने इसको प्रायोरिटी देते हैं। तो ये जो आगे अल्फा लिखा हुआ है, दिस इज पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप। अब अल्फा का मतलब क्या होता है, याद रखना है कि भाई इसमें एक COOH ग्रुप है। चलिए अब अल्फा क्या होगा, जो COOH या इससे अच्छा एल्डिहाइड भी होता अगर मान लो, तो ये जो इसका जो कोने पे लगते हैं फंक्शनल ग्रुप, उससे जो अगला कार्बन होता है, नेक्स्ट कार्बन वो होता है अल्फा, उससे जो अगला कार्बन होता है वो होता है बीटा, उससे अगला कार्बन होता है गामा। तो ये कह रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड्स है, इसका मतलब ये जो NH2 ग्रुप है ये कहाँ जुड़ा हुआ है, अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ये वेरिएशन में R है। तो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखा गया, अब ये R कुछ भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे ये कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा R है यहाँ पे, तो ये अल्फा अमीनो एसिड्स, तो ये R चेंज हो सकता है। अब कुछ बच्चे लिखने का तरीका, क्योंकि वैसे ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, अगर आप ये देखें ना यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीमर ऑफ, नहीं अल्फा, सॉरी ये प्रोटीन नहीं, अल्फा अमीनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहें, क्योंकि अभी मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं कर रही हूँ, ये R ग्रुप कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो हम बाद में बात करेंगे।
तो इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई COH। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे COH से अगला कार्बन क्या है, अल्फा अमीनो ग्रुप, तो अल्फा अमीनो एसिड्स। ये R चेंज हो सकता है, अब R क्या क्या होगा तो इसका मतलब अमीनो एसिड भी अलग होगा। लगभग अभी 20 के करीब जो अमीनो एसिड होते हैं वो असेंशियल, वो भी हम आगे चलो बात करते हैं। इतना समझ में आया कि भाई अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, यस मैम। ठीक है। अब आता है प्रोटीन की, अगर आप हाइड्रोलिसिस करें मतलब पानी के साथ रिएक्शन करके हीट करें जो भी करें, तो आपको अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। आपकी बॉडी में भी जो बड़े सारे एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, ये सारे जो होते हैं प्रोटीन को पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर उसको बॉडी में अल्फा अमीनो एसिड्स एंड में बनता है, क्योंकि प्रोटीन अल्फा, और एक अमीनो एसिड नहीं होता कि चेन होती है पूरी अमीनो एसिड्स की, उसको हम आगे करेंगे। तो अभी अगर पेपर में कभी आ जाता है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, और नीचे बड़े सारे ऑप्शन दे रखे हो, मान लो या तो फॉर्मूला ही दे रखा हो, तो अल्फा अमीनो एसिड ढूंढना आप उसमें। मान लो बीटा दिया हो तो बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड क्या होगा कि उससे जो COH से जो अगला कार्बन है ये अल्फा है ये बीटा है, यहाँ पे NH2 लगाओ, तो हमें बीटा को नहीं देखना, ये जर्नल नेम है अगर आप देखें। अब बारी आती है ये अमीनो एसिड्स के, कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, तो ये कह रहे हैं अगर ये जो R है इसकी वैल्यू H के बराबर है, क्योंकि ना इस तरह से लिखने में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप जो मैंने आपको बताया था NH2 COH R, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जैसे आप लिखना चाहें। R की जगह पे अगर H होगा तो ऐसे इस अमीनो एसिड का नाम होता है ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन को दो और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो हर चीज जो है हम अपनी ह्यूमंस की सहूलियत के हिसाब से करता है, वो कहता है आपको ज्यादा नहीं लिखना, तो इसीलिए तो उन्होंने सिंबल्स दिए एलिमेंट के, बार बार आप कॉपर लिखे, फॉर्मूले दिए। तो ऐसे ही जो ग्लाइसिन है इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो पहले 3 लेटर GLY, पेपर में आप CBSE में जी पूरा ग्लाइसिन लिखिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ टीचर इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप पूरा ग्लाइसिन लिखिए। बाकी जी से भी लिखते हैं इसको, जी का मतलब होता है ग्लाइसिन, कैपिटल जी। तो अगर मान लो मैं कह रही हूँ जी ए के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक ग्लाइसिन है एक एलानिन है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, पर इनका ऑर्डर भी जो है मायने रखेगा, ए पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, तो ये कैसे मायने रखेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड करेंगे तब करेंगे, अभी तो सिर्फ अमीनो एसिड्स बता रहे हैं। अगर इस R की वैल्यू CH3 के बराबर होगी तो ये एलेनिन है, ALA या कैपिटल ए से लिखते हैं ऐसे। इसके अलावा बुक में और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, यहाँ पे शायद मैंने बुक का पेज रखा होगा, हाँ ये देखिए। अगर इस R की वैल्यू इसके बराबर है, मतलब ये आपका मान लीजिए ये NH2 है, ये CH हो गया, ये COH हो गया, और R की वैल्यू है CH CH3 CH3, तो ये वैलीन है। ऐसे ही R की वैल्यू अगर ये है, ये वैल्यू R की वैल्यू क्या है CH2 CH, और ये यहां से जुड़ा हुआ है जहां डैश डाला हुआ है, तो ल्यूसीन, ल्यूसीन L। अब ये एस्ट्रिक का निशान क्यों है ये अभी आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आइसोल्यूसीन, तो यहाँ पे आपने इतने सारे याद नहीं रखने हैं, आपने एक दो याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ग्लाइसिन जरूर याद रखिए, अब क्यों याद रखिए अभी रीजन बताऊंगी उसका। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जरूर करिए, ठीक है, एक दो के स्ट्रक्चर, जिनके स्ट्रक्चर जैसे एलानिन हो गया इसका करें, अभी आपको और बता देंगे, इतने सारों के याद करने की जरूरत नहीं है, लगभग यहाँ इसके बाद तो याद नहीं करिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक कर लो, पर इसके इतने स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, कई बार गिवन ही होता है क्वेश्चन में और कई बार पता लग जाएगा आपको, लेकिन ग्लाइसीन का और एलेनिन का स्ट्रक्चर जरूर याद रखिए। तो अब आता है क्लासिफिकेशन, तो ये तो मैंने वैसे बताया था आपको। अब आता है नेक्स्ट, आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में 49 बच्चे हैं, मैं उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकती हूँ, बच्चे तो 49 ही है, या तो मैं कह सकती हूँ कि जितने मार्क्स आए हैं, मान लीजिए मैथ में मैथ्स के मार्क्स के हिसाब से कर सकती हूँ, केमिस्ट्री के मार्क्स के हिसाब से, वो अलग क्लासिफिकेशन हो गई, अकॉर्डिंग कर दूं कि जिसकी हाइट इतने से इतने के बीच में आ रही है, ये स्लैब के बीच में आ रही है, वो एक होगा फिर वो दूसरा होगा। तो इस तरह से मान लो हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें मैं ग्रुपिंग कर सकती हूँ, आपके नाम के अल्फाबेट के हिसाब से कर सकती हूँ,
तो अमीनो एसिड की भी अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकती है। दोबारा सुनिएगा, ये अल्फा अमीनो एसिड की बात हो रही है। पहली चीज, डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव नंबर ऑफ NH2 और COOH ग्रुप, जो R साइड में, जो R मैंने आपको बताया ना, ये जो R है ना, वैसे तो अगर आप देखें नॉर्मल जो है फॉर्मूला, जो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है, इसमें एक COOH है और एक NH2 है, मतलब एक एसिड ग्रुप है एक बेसिक ग्रुप है, क्योंकि जो COOH होता है वो एसिड होता है और जो NH2 होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। अब बारी आती है ये जो R ग्रुप, ये जो साइड चेन है, इसमें भी कई बार एसिड ग्रुप भी हो सकता है, कई बार NH2 भी हो सकता है, और कई बार ये इधर कोई न्यूट्रल ही हो। तो ये कह रहे हैं डिपेंड करता है NH2 और COOH ग्रुप कितने हैं, रिलेटिव नंबर, कि भाई NH2 COOH के बराबर है या फिर मतलब एसिड ग्रुप बेसिक ग्रुप के बराबर है, या एसिड ग्रुप ज्यादा है COOH ज्यादा है या NH2 ज्यादा है। तो इस हिसाब से तीन तरह के अमीनो एसिड है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो बेटा आता है क्वेश्चन, पूछ लेते हैं अल्फा अमीनो एसिड के एग्जाम्पल लिखो, ये जो आगे हम बताएंगे, तो सॉरी एसिडिक अमीनो ग्रुप के एग्जाम्पल लिखो। तो ये चीज ध्यान रखनी है, एसिडिक अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल, ये एक्स है, ध्यान रखिएगा, इसे एन मत कर दीजिएगा, दिस इज कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल, कार्बोनिल नहीं, या आप ये सोचे कि ये एन है या ये एक्स है, कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब जितने NH2 ग्रुप होंगे, चाहे साइड चेन में ही क्यों ना हो, टोटल जितने NH2 ग्रुप है उतने ही COOH होंगे। अगर मतलब टोटल मान लो दो NH2 ग्रुप है तो टोटल एसिड ग्रुप भी उतने ही होंगे। अब बारी आती है इसके एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल पेपर में पूछ लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखने के लिए जल्दी जल्दी वही लिख दिया शॉर्ट फॉर्म ही। तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, कम से कम आप दो याद कर लीजिए। और मैंने आपको वैसे ही बोला है ग्लाइसिन और एलेनिन का जरूर जो है आप क्या करें, दोनों का जो है स्ट्रक्चर याद रख लें कि आर की वैल्यू कितनी है। फिर आते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड अभी मैं आपको दोबारा दिखा भी दूंगी कि कितने इसमें जो मैं बात कर रही हूँ, अभी वो पेज पीछे है। अमीनो एसिड्स जिसमें, क्योंकि बेसिक है इसका मतलब बेसिक ग्रुप ज्यादा होंगे, जिसमें मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे COOH से। अगर मान लीजिए COOH दो प्रेजेंट है, ये जो है ये तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, जैसे भी डिपेंड करता है। तो अमीनो ग्रुप्स जो होते हैं दे कंटेन मोर नंबर ऑफ, जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर द अमीनो एसिड जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स होंगे देन कार्बोक्सिल ग्रुप। और इसके एग्जांपल है अर्जिनाइन एंड लाइसिन। अभी मैं आपको दिखा दूंगी इनका स्ट्रक्चर कि कितने कैसे आप कह रहे हैं ज्यादा होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। तो आपको अब समझ में आ गया होगा एसिडिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, मतलब COOH ग्रुप ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू NH2 ग्रुप, तो वो होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अब आपको इनके स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने करे, तो मैंने पहले कहा था न्यूट्रल, आप ये साइड चेन दी हुई है, तो आपको पता है जब मैं इसको ऐसे लिखती हूं, ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूं तो मतलब एक इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अमीनो ग्रुप है, मतलब इसमें तो बराबर है, लेकिन इस साइड चेन को मुझे देखना पड़ेगा कहीं इसके अंदर तो कोई अमीनो या COOH ग्रुप तो नहीं है। अब देखिए ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, इसमें कोई भी साइड चेन में अमीनो ग्रुप नहीं या कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, मतलब इसमें एक ही COOH है और एक ही इसमें NH2 ग्रुप है, तो इसलिए ये मैंने आपको क्या बताया, ये न्यूट्रल होगा, ठीक है, ये मैंने न्यूट्रल के एग्जांपल बताए थे। ऐसे ही एक और बताया था आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन में अगर आप देखें साइड चेन में कोई भी NH2 या COOH ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये न्यूट्रल है,
ठीक है, अब अगले पे आ जाइए, ये अर्जिनाइन पे सारे नहीं डिस्कस करेंगे, यहीं तक डिस्कस करेंगे जहां तक अर्जिनाइन पे। इसमें अगर आप देखें ये साइड चेन है, साइड चेन में एनएच टू ग्रुप आ रहा है, मतलब ये बेसिक होगा क्योंकि एक एनएच टू ग्रुप बाहर है और एक सीओएच बाहर है। तो अब ये लेकिन ये फालतू है आ गया, तो इसका मतलब ये बेसिक। सिमिलरली लाइस इसकी साइड चेन में एक फालतू एनएच टू ग्रुप है, इसका मतलब ये भी बेसिक होगा। इसमें एनएच टू ग्रुप जो होंगे सीओओएच के मुकाबले क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब जो है नेक्स्ट आता है आपका, ये दो एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी, यही दो, और मैंने आपको बोला यही तक आता है ज्यादा। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड में साइड चेन में देखिए एक सीओएच ग्रुप आ गया, एक बाहर है एसिडिक, एक हाँ तो ये एसिडिक हो गया, ऐसे ही बेटा एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ तक अगर आप चाहें, हाँ ये भी एसिडिक हो गया, तो हमारे तीनों पता लग गए। अब बारी आती है, आप ये सोच रहे होंगे ये निशान क्या डला हुआ है ये ऊपर, इसको अभी डिस्कस करते हैं। तो आपने ज्यादा नहीं करने, इतने सारे नहीं, जब कॉलेज में जाएंगे तो प्रोटीन आएगा उसमें आपको सबके स्ट्रक्चर लगभग याद होने चाहिए, पर यहाँ पे हमें नहीं करने। अब आता है अगला क्लासिफिकेशन, कि दूसरा क्या तरीका हो सकता है अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करने का। इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल पूछे गए हैं, मतलब आज के पिछले 10 साल के पेपर में आया हुआ है। ये आप कहें कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और प्रोटीन जो चैप्टर है ना, मतलब जो प्रोटीन टॉपिक है, उसमें मुझे ग्लूकोज जितना समझाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ग्लूकोज में रिएक्शंस भी हैं। तो आप साथ साथ में ये चैप्टर कर लें तो ऑलमोस्ट 3 से लेके 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं, क्योंकि क्या है ऑर्गेनिक पूरी 28 मार्क्स की है, और आप खुद सोच लीजिए 30 मार्क्स की लगभग हो गई, तो वो जो पहली बुक है जिसमें आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की, वो 40 मार्क्स की है। तो आपके जो 30 मार्क्स है ना, वो यहीं पे आ सकते हैं। और ऑर्गेनिक में क्या है, या तो आपका सही है या गलत है, पर साथ साथ में अभी पढ़ लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा आपको क्लियरिटी होगी। मान लो आपको 40% ही आए, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है जो चीज आपको ऑलरेडी समझ आई हुई है, तो आप वो समझ आए वाली बात जो है वो साथ साथ में कर लीजिए कि अच्छा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ऑर्डर में करिए, ये नहीं कि कभी वो पढ़ रहे हैं चैप्टर का, कभी दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ऑर्गेनिक को ऑर्डर में पढ़िए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि क्या पढ़ा था हमने। चलिए अभी इधर देखते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो हम असेंशियल का मतलब ये नहीं है, असेंशियल का देखिए, नॉन असेंशियल का मतलब है ये हमारी बॉडी में बनते हैं। अब आप कहें कैसे बनते हैं, तो बॉडी रॉ मटेरियल यूज करता है। अब कौन से रॉ मटेरियल यूज करता है, वो क्या कर सकता है, जो हम डाइट से अमीनो एसिड ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी अमीनो एसिड बने हुए हैं उनसे वो बना लेगा। हम जो खाना खा रहे हैं उससे जो हमें अमीनो एसिड मिल रहा है, उससे जो प्रोटीन बन रहा है, उससे जो अमीनो एसिड आएंगे उनसे जो है खुद बॉडी बना लेगी, उनको यूज करेगी एज अ रॉ मटेरियल। तो मतलब ये नॉन असेंशियल है, ये हमें बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, बाहर से आपको दूसरे प्रोटीन खाने हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, ये नॉन असेंशियल है। अब आते हैं असेंशियल, जो हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे, चाहे आप जितना भी जो है कहें कि मैं मेरी बॉडी में बन जाएगा, नहीं ये बनेंगे नहीं, ये आपको डाइट के थ्रू ही लेने पड़ेंगे। खाना नेचुरल सोर्स लीजिए, नेचुरल सोर्स के थ्रू ही लेने पड़ेंगे, और इन्हीं कई बार क्या होता है इन्हीं अमीनो एसिड्स की वजह से ये बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं दूसरे वाले नॉन असेंशियल। तो दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, इसीलिए असेंशियल है, लेना जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी में ये नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल होगा वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। अब इस अमीनो एसिड का होता क्या, आप कह रहे हो सोच रहे हो भाई बॉडी में बनेंगे नहीं, इनका होता क्या है। बेटा हमारी बॉडी में ज्यादातर जो हार्मोन्स होते हैं या बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं असल में। हालांकि सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सारे एंजाइम्स जितने भी बॉडी में काम करते हैं वो सारे एक तरह के प्रोटीन है। अब बॉडी में रॉ मटेरियल, हम कोई और प्रोटीन खाएंगे उसका रॉ मटेरियल से अमीनो एसिड बनेंगे, फिर वो अलग अलग अमीनो एसिड जुड़कर वो एंजाइम बनाएंगे। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन सबको पता है,
आपकी बॉडी में ग्लूकोज को पचाता है, कन्वर्ट करता है. तो अब इंसुलिन कितना, हाँ अभी हम वो भी पढ़ेंगे, उसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में, चाहे वो सेम हो चाहे अलग अलग हो. तो वो डिटेल में नहीं पढ़ना कि वो सेम है, पर इतना ध्यान रखते हैं उसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं. तो आप खुद सोच सकते हैं बॉडी में इंसुलिन तभी बनेगा जब आप प्रोटीन लेंगे, क्योंकि प्रोटीन जब टुकड़े टुकड़े होगा अमीनो एसिड बनेगा, फिर ये अमीनो एसिड जो भी रिक्वायर्ड होंगे अमीनो एसिड वो जुड़कर फिर इंसुलिन बनाएंगे. तो बॉडी में एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम के बिना आपकी बॉडी में कोई काम नहीं होगा. वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद करना. अब जो क्वेश्चन था वो ये था, ये एस्ट्रिक कहाँ लगा हुआ है? एस्ट्रिक लगा हुआ है एसेंशियल अमीनो एसिड पे. तो अगर आप मान लो आप भूल जाते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो ये आप कहें ये एस्ट्रिक का निशान कहाँ पे है? ये यहाँ पे है. और जो मैंने नोट्स दिए हैं मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से दिए, मतलब ये नहीं एनसीईआरटी का मतलब ये है कि मैंने ऑर्डर भी फॉलो की है, जो चीज पहले दी हुई है उसे पहले करा, फिर दूसरी चीज को करा, फिर तीसरी चीज को करा, ताकि जब आप अगर आप एनसीईआरटी भी रीड करें तो वो सेम रहे. आप एनसीईआरटी को एक बार जरूर निगाह मार लीजिएगा. अब आता है ये समझ में आ गया, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. यस मैम. ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है. अब नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड. मैंने आपको बताया अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. अच्छा, जब हम हेलो अल्केन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें एक चीज आएगी, अगर किसी कंपाउंड में ऐसा कार्बन, क्योंकि हम ये ज्यादातर अगर देखा जाए ऑर्गेनिक है ये कंपाउंड, ये जितने भी प्रोटीन वगैरह, ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप ए बी सी नहीं लिखो, कार्बन ही होता है डी ई, ये जो चारों ये अलग अलग है, ए बी के बराबर नहीं है, बी ई के बराबर, डी के बराबर नहीं है, डी ई के बराबर नहीं है, ऐसे कार्बन को काइरल कार्बन बोलते हैं. अब आपने देखा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बड़े सारे कार्बन जुड़े होते हैं, चाहे ब्रांचिंग हो रखी हो, चाहे चेन में हो, स्ट्रेट चेन में हो. तो क्या किया जाता है, किसी भी कंपाउंड में अगर एक भी काइरल कार्बन मिल जाए, ऐसा कार्बन जिसके आसपास जो चारों ग्रुप है वो अलग अलग हो, मान लो ये कार्बन है, इधर एक एल है, इधर सी एल है, यहाँ पे सी एच थ्री है, ये सी एच टू है, ये सी एच थ्री है. अब इस कंपाउंड में अगर आप इस कार्बन को चेक करें, ये काइरल नहीं है क्योंकि तीन हाइड्रोजन है इधर सेम, इसमें देखिए दो हाइड्रोजन सेम आ गए, मतलब सारे ग्रुप अलग होने चाहिए, दो कम सारे ही अलग होने चाहिए. ये ना कहे कि आप कह दें मैम तीन जो है इसमें तीन अलग, इसमें जो है सेम है, जैसे यहाँ पे लिखे तीन सेम है, इसमें दो ये एक इधर है, इधर ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, पर दो हाइड्रोजन है ना, चारों अलग होने चाहिए. जबकि इस कार्बन को ध्यान दीजिए, इस कार्बन को अगर आप देखेंगे, ये वाले कार्बन को, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ CH3 है, और एक तरफ ये पूरी जो चेन है, तो चारों ग्रुप क्या हो गए, अलग अलग हो गए. तो ये जो कार्बन है ये हमारा जो है काइरल कार्बन है, और जिस भी कंपाउंड में एक भी काइरल कार्बन होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव. ये हम हेलो अल्केन में भी अच्छे से पढ़ेंगे. समझ में आया सब बच्चों को? तो आपने यही चेक करना है. अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाए, अब आपका ये कैसे बना दिया, अरे वही सेम ही चीज है ना, मैंने ऊपर रख दिया COH को, जैसे मर्जी बना लीजिए, पर अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी में वो जो कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन आती है ना, ये भी हम पता करेंगे कि इसमें कैपिटल डी मिलता है या एल मिलता है. तो अब ये देखिए, ये जब ये आर ग्रुप इन तीनों के बराबर नहीं होगा, तो मतलब एक काइरल कार्बन होगा, R शुड नॉट बी इक्वल टू H, क्योंकि अगर आप मान लीजिए R H के बराबर हो गया तो दो ग्रुप सेम आ गए, तो ये क्या होगा, ए काइरल होगा. ए काइरल का मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड, तो ये काइरल कार्बन है. काइरल कार्बन को एसिमेट्रिक भी बोल देते हैं. तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट किसके सिवा, अगर ये एच के बराबर हो, मतलब ये क्या हो, ग्लाइसीन हो. तो आप खुद सोचिए इसमें दो हाइड्रोजन, दो ग्रुप जो है कार्बन पे सेम आ गए, मतलब ये जो कार्बन है ये क्या है, ए काइरल है. इसका मतलब ग्लाइसीन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ये समझ में आया कि सारे अमीनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, ग्लाइसीन को छोड़ के. समझ रही है बात?
यस मैम उसमें आर की वैल्यू। हाँ अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वो कह दे कि हमारे पास एक मतलब लंबा सा क्वेश्चन हो, उसमें बड़ी सारी चीजें पूछी हो। अभी क्या क्या चीजें पूछी होंगी वो मैं डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन जब दो मैंने आपको बोला था मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसी से रिलेटेड। तो मतलब उसमें ना आइडेंटिफाई उसमें ये लिखा गया वी हैव जो है अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और उसका कुछ रिएक्शन पूछा गया हो आपसे, जो भी होगा वो मैं बाद में बताऊंगी। मान लो कोई कुछ रिएक्शन पूछा गया, आप कहिए मुझे तो अमीनो एसिड दिया ही नहीं हुआ, मैं रिएक्शन कैसे लिखूंगा। लेकिन आप खुद सोचिए, वर्ड दिया हुआ है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन के अलावा बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। समझ आ गया? Yes. Yes, ठीक है। अब एक चीज और आती है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, कहेंगे एक ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड का एग्जांपल दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो आप लिख देंगे ग्लाइसिन। लेकिन कई बार क्योंकि आप लोगों का फ्लो बना हुआ है कि अच्छा ये ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो वो क्वेश्चन बोल देंगे नेम वन ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड। अब ऑप्टिकली एक्टिव बोल दिया, कई बच्चे फ्लो में ग्लाइसिन लिख देंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव में आप ग्लाइसिन के अलावा जो मर्जी लिख दीजिए, एलेनिन लिख दो, वैलिन लिख दो। मैं ये कह रही हूँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल पूछ रही हूँ, अगर मैंने फॉर्मूला पूछा हो तो वो होगा, तो मैं वो क्वेश्चन जो है क्या पता अगली क्लास में अभी ना हो डिस्कस करूंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं नेम या बड़ा सारे कंपाउंड, बड़े सारे अमीनो एसिड लिख दे और बोल दे इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, या तो उसमें भी कई बार कौन सा प्रोटीन है, मतलब बाकी बहुत सारे भी कंपाउंड दे रखे, कौन सा एक्टिव अमीनो एसिड है। पहली बात तो वो अमीनो एसिड होना चाहिए क्योंकि मैंने बोला है ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड। दूसरी चीज भाई ग्लाइसिन मत लिख दीजिएगा, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ज्यादातर बच्चे फ्लो फ्लो में ग्लाइसिन लिख देते हैं। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अब लास्ट आता है, मतलब मैं अभी मेरे पास और भी है अगर टाइम खत्म नहीं हुआ, पर इस वाले नोट्स में लास्ट आता है कि भाई ये जो जैसे मैंने बताया नेचर में कौन सा ग्लूकोज मिलता है, नेचर में मिलता है डी प्लस ग्लूकोज, यही बोला था मैंने। अब वो अल्फा ग्लूकोज भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, पर वो उसकी कंफिगुरेशन डी होती है और वो प्लस साइन होता है। अब बारी आती है अमीनो एसिड्स की, तो ये कह रहे हैं जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना नेचर में, लिखा है ना मोस्ट नेचुरली अकरिंग, मोस्ट मतलब ज्यादातर अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनकी कंफिगुरेशन एल होती है। एल का मतलब है एनएच टू ग्रुप लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी कि कैसे लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो अब जो है दूसरी चीज, फिशेज में कभी कभी किसी किसी में डी भी देखा गया है, लेकिन ज्यादातर एल होते हैं। तो हमारे ये जो अमीनो एसिड है दे आर एल अल्फा अमीनो एसिड, इसमें हमें प्लस माइनस नहीं दिखाया गया, क्योंकि प्लस माइनस में क्योंकि जरूरी नहीं है कि मान लीजिए जो एलेनिन है अगर मान लो वो प्लस होगा तो वैलिन जरूरी नहीं है वो भी प्लस हो, तो एल के साथ कुछ भी आ सकता है, तो इन्होंने एल ही बोला, हमें इतना ही करना है इससे ज्यादा नहीं करना। अब बात ये आती है एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, तो ये आप एमएससी में पढ़ेंगे कि डी और, आपको एक छोटा सा रूल बताती हूँ, ऐसे तो कोई भी बच्चा कहे कि मैम ये तो मैं ऐसे पुट कर दू, ऐसे पुट कर दू, इधर आर पुट कर दू, इधर एच, तो बेटा एक चीज ध्यान रखनी है जब ये कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं सबसे जो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप मतलब जो ऑक्सीडाइज होने के बाद बना है वो कौन सा है, COH, उसकी जो लंबी चेन होती है ना कार्बन की उसको ऐसे रखा जाता है, और जो सबसे ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होता है उसको इस तरह से रखा जाता है, फिर देखा जाता है कि NH2 इधर है या फिर जैसे मैंने ये बनाया है वो इधर है। अगर NH2 ग्रुप राइट साइड में होगा अगर अमीनो एसिड में, और ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगाई जाती है वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो उस डिटेल में नहीं जाना। तो ये तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई बच्चा बोले कि मैं ऐसे ही बता दूंगा, नहीं, आपको देखिए आपको लिखना पड़ेगा, मतलब आपको जो ये है ना COH ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को सबसे ऊपर रखा जाता है और नीचे कार्बन की लंबी चेन आती है,
फिर ये एनएच टू यहाँ तो इधर होगा, जिसमें एनएच टू इधर होगा, मतलब जैसे मान लीजिए एलेनिन है, एलेनिन आपको एल एलेनिन भी मिलेगा और डी भी मिलेगा, लेकिन नेचर में एल ही मिलता है, बाकी आप लैब में बना सकते हैं डी। तो ये जो होगा ये डी होगा, इसमें एनएच टू ग्रुप जो है लेफ्ट साइड पे है, तो ये एल अमीनो एसिड है। तो कभी पेपर में आ जाता है कि भाई एल अमीनो एसिड नेचर में कौन सी कंफिगुरेशन मिलती है, तो नेचर में एल मिलती है ज्यादातर, कुछ फिशेज वगैरह में होता भी है। ये समझ में आया कि भाई आपने ना इसी तरह से याद रख लो इसे, जब आप कॉन्फ़िगरेशन बतानी होगी तो ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है तो हमने एक एक पॉइंट कवर किया। इतना समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। एक क्वेश्चन। यस मैम। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हैं? जैसे ग्लूकोज में कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेफरेंस लिया गया था ग्लिसराल्डिहाइड लिया था, तो प्रोटीन्स में भी लिया है कॉन्फ़िगरेशन के लिए? असल में ग्लूकोज में भी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ग्लूकोज में एक सेंटर तो होता नहीं ना, ग्लूकोज में एक कायरल सेंटर तो होता नहीं है, तो अगर आप ग्लाइसिन देखें, ग्लाइसिन तो हमने लिया, इसमें नहीं लिया हमने कुछ भी, ग्लाइसिन में भी अगर आप देखें, ग्लाइसिन था ना, सॉरी ये सी एच ओ था, ग्लाइसिन नहीं था, क्या था, ग्लिसराल्डिहाइड, तो उसमें बेटा यहाँ पे सी एच ओ है यहाँ, तो ये देखिए सबसे ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप मैंने ऊपर लिया है, इधर एच और इधर ओ एच, तो हमने उसके साथ कंपेयर किया था, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ना उसमें बहुत सारे कायरल सेंटर होते हैं, ग्लूकोज में एक कार्बन कायरल नहीं होता है, कितने होते हैं ऊपर वाले भी तो कायरल होते हैं। ग्लूकोज में अगर आप बनाए, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, अब किसको हम माने डी और एल है, तो उसके लिए लास्ट वाला देखा जाता है, और वो मतलब पहले ग्लिसराल्डिहाइड का निकाला जाता है और उस हिसाब से फिर इसको बता दिया जाता है ये डी है या एल है, क्योंकि उसमें, लेकिन इसमें तो एक ही कायरल सेंटर है मोस्टली, तो इसमें इस आर का कायरल सेंटर नहीं देखते, मान लो आर में भी कोई कायरल सेंटर हो लेकिन इस आर का नहीं देखते, इसमें देखते ये वाली कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब ऊपर से देखते हैं इसमें,